कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब पता चला है कि आर एस एल की कांग्रेस से प्रॉब्लम हो रहा है यार, तुम लोगों को कमाल करते हो। मतलब इतना कांग्रेस पर फिर भी प्रॉब्लम, तो कोई नहीं, मेरे रहते प्रॉब्लम हो सकता है क्या? अभी कांग्रेस की ऐसी की तैसी करते हैं, ठीक है? तो एक्सरसाइज 9A में 24 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? एक वीडियो में तीन या चार, दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक वीडियो में। तो ऐसे में क्या होगा कि 6-7 वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 9A खत्म हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर बाकी वीडियो देखो कहाँ मिलेगा यार? बाकी वीडियो इसी वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या एक्सरसाइज 9A कि किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा उसका, देख सकते हो, एक साथ देख सकते हो। तो वो काम तुम करोगे नहीं, ऐसा मिलता नहीं, मिलता नहीं है, कल बहाना बनाते हो। सब्सक्राइब किया अभी को नहीं किया? जल्दी सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे लिए मैंने बटन लगाया है, ठीक है? पहले वाले वीडियो में नहीं था, अभी लगा दिया है। तुम लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, कर लो कर लो कर लो। चलो अब बंद कर दें इसको, ठीक। चलो अब क्या करते हैं भाई मेरे, कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, थोड़ा साउंड बढ़ा लो प्लीज, साउंड बढ़ा लो, मेरी आवाज़ बहुत कम है, मैंने बहुत काम किया है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरल सी डी, देखो ए बी और सी डी पैरल है, दिखाई पड़ रहा है पैरल है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट ओ है, ठीक। सो करना है कि तुम्हारा ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये ट्रायंगल, और डी ओ सी मतलब ये ट्रायंगल, ये तुम्हें कॉन्ग्रुएंट होगी। सो करना है, सो करना है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये सो करने वाली बात नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मतलब क्या हुआ? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मतलब होगा कि जितना सी ओ होगा उतना ही बी ओ होगा, ठीक है? या जितना ओ बी होगा उतना ही ओ सी होगा। तो तुमको पता है ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से यहीं से प्रूफ हो जाएगा, इसको प्रूफ करेंगे बस ये प्रूफ हो जाएगा। तो बात किस पे है, बिंदुओं को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या सब होना चाहिए? आपका तो एक ही साइड बराबर दिया हुआ है, एक साइड ओ ए और एक ओ डी बराबर दिया हुआ दोनों ट्रायंगल में, बाकी क्या बराबर करेंगे? एक चीज़ देखो, वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है? तो एक साइड एक एंगल, एक साइड एक एंगल बराबर हो गया, हो गया। एक एंगल और भी चाहिए नहीं, तब ना एंगल एंगल साइड लगाएंगे। तो अभी एक चीज़ दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल, देखो कैसे हम लोग करते हैं काम। सी डी, ठीक है, ये सी डी और ये ए बी, ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो सी डी तो ट्रांसवर्सल हुआ ना, सी डी क्या हुआ, सॉरी सी बी क्या हुआ, ट्रांसवर्सल। तो ये तुम्हारा सी बी जो है ये ट्रांसवर्सल हो गया। और जब ये ट्रांसवर्सल हो गया मेरे भाई, तो ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ वाला एंगल, और जो एंगल यहाँ वाला एंगल होगा, ये कैसे एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका दो एंगल एक साइड, इसका भी दो एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं? शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में, लॉन्ग लॉन्ग नहीं करने वाला, लॉन्ग तुम करोगे इसको। देखो जाओ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी में जाओ, तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए ओ और डी ओ बराबर होगा, ए ओ बराबर डी ओ। अच्छा मेरे को एंगल एंगल साइड करना, तो पहले एंगल लिखो, सॉरी एक्चुअली क्या लगेगा, एंगल एंगल साइड ना, तो पहले एंगल एंगल साइड करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लो डी सी ओ एंगल एंगल डी सी। ओहो यार कमाल है, ए ओ बी में जाएगा ना, ए ओ बी में, इसमें जाना है पहले, इसमें ए बी ओ एंगल, ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल टू इधर से डी सी ओ, डी सी ओ बराबर हो गया, ठीक है? अब एंगल, फिर एंगल, तो कौन सा एंगल, सी ओ डी, सी ओ डी और बी ओ ए, बी ओ ए बराबर होगा, और क्या होगा, ए ओ और ओ डी, ये तो बराबर दिया ही हुआ है, ठीक है? तो ए ओ बराबर डी ओ, ठीक है भाई? ये क्यों होगा ए ओ बी, क्योंकि ये क्या है भाई, ये क्या है, ये आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको लैंग्वेज लिख के पूरा कर लेना, ठीक है? मैं समझा दे रहा हूँ बस, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन। तो इसीलिए जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ
सी के, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में तो वो क्या करना है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब ओ बी इक्वल टू ओ सी शो करना है। देखो ना, ओ बी, ओ बी लास्ट का दो ओ बी और लास्ट का दो ओ सी, ये तो बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी। बात समझ में आ रही है? दो ही नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, देखो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पे इक्वल परपेंडिकुलर कौन सा, ये ए डी और बी सी, ये इक्वल परपेंडिकुलर है। भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, शो करना है आपको कि ये जो सी डी है ना, सी डी ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जितना ए ओ है उतना ही ओ बी होना चाहिए, ये चीज प्रूफ करना है। बात क्लियर है? तो भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसके लिए दोनों ट्रायंगल में जाना है। देखो ए ओ किधर है, ए ओ तुम्हारा इस ट्रायंगल में है, ए ओ तुम्हारा इस ट्रायंगल में है, और ओ बी कहाँ है, ओ बी इस ट्रायंगल में है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे भाई, कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए, है जुगाड़ ही जुगाड़ है। देखो एक चूंकि परपेंडिकुलर ना एंगल 90 होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर एंगल 90 होगा, तो दो एंगल 90 हो गया। ठीक है, ओके, ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर होगा। तो देखो दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, हो गया काम। सेम जो काम तुमने वहां किया वही काम यहां पे करना है, जो काम तुमने वहां किया वही काम यहां करना है। कर लोगे? कह देना कि भाई इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी सी में, तुम कह देना, लोग कहती कर ही देते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें आप क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, दिया हुआ क्या है कि आप लगाओगे भाई एंगल एंगल साइड लगाओगे ना। ठीक है, तो कह दो ए ओ डी, ए ओ डी जो है और बी ओ सी, कौन सा ए ओ डी, ए ओ डी ये और बी ओ सी ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर भाई, क्योंकि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, पहली बात। दूसरी बात कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी बराबर है किसके, 90 के बराबर है, ये दिया हुआ है, चूंकि परपेंडिकुलर तो होगा ही। और एक साइड दिया हुआ है ए डी, एंगल दो बार लिख दिया, ए डी और बी सी ये बराबर दिया हुआ है कि नहीं, तो बाई साइड एंगल, साइड से लगाओगे ट्रायंगल, आपका ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी सी का। अब आपको एक्चुअली जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब ये होता है कि ये दो पार्ट में बांटना है। मतलब क्या प्रूफ करना है कि ओ ए और ओ बी बराबर है, तो तुम देखो ना ओ ए ओ बी है ना बराबर, देखो स्टार्टिंग का दो, स्टार्टिंग का दो, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बाई सी पी सी टी। बात क्लियर? ये दो दो मिनट का क्वेश्चन है, कमाल करते हो तुम भी यार। मतलब इन द गिवन फिगर टू परपेंडिकुलर लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाई टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ऑलराइट, देखो ये भी दोनों पैरेलल है, एल एम भी पैरेलल है, पी क्यू भी पैरेलल है। अच्छा ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कौन सा, ए बी सी मतलब ये, सी डी मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। कर लेते हैं, और क्या दिक्कत है। अभी देखो, एक तो तुम देख लो कि इन दोनों ही ट्रायंगल में ये जो साइड ए सी है ये दोनों में आ रहा है, बेचारा ए सी दोनों में आ रहा है ना। यहाँ पे देखते, देखो ए सी यहाँ भी है और सी ए यहाँ भी है, वही ए सी सी ए की बात है, तो ये तो दोनों में आ रहा है। अब आप क्या करो कि एक साइड तो आपको दोनों में मिल गया, और चीज़ चाहिए, एंगल के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ से ये एंगल, चूंकि आपका ये लाइन जो है ना ये और ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, रेड वाला ट्रांसवर्सल हुआ, क्योंकि तुम्हारा ये पैरेलल। देखो मैं लाइन खींच देता हूँ, देखो ये और इधर से ये रेड वाला, ये है ना पैरेलल, ये यही तो आगे बढ़ा ना, पैरेलल है। ठीक है, तो ये और ये अल्टरनेट से बराबर हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखो तुम्हारा ए बी और डी सी ये भी तो पैरेलल है, दोनों में एरो आगे बढ़ के पैरेलल ही हुआ है ना, ये भी पैरेलल है। अच्छा ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो ये रेड वाला फिर से ट्रांसवर्सल होगा, रेड वाला फिर से ट्रांसवर्सल हो जाएगा भाई मेरे। तो यहाँ वाला ये और यहाँ वाला ये है, बात समझ में आई क्या? अल्टरनेट से बराबर होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में दो एंगल एक साइड और इस ट्रायंगल में भी दो एंगल एक साइड, हो तो गया काम खत्म है। चलिए ट्रायंगल में आइए 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 देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इसमें गए तो क्या पता चला मेरे भाई? आपको पता क्या चला कि जो आपको क्या लगाना है एंगल एंगल से, ये सब सोचना पड़ता है पहले। हाँ सोचना पड़ता है कि क्या करना है, पहले ही क्वेश्चन देखे जल्दी लेके, ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन देखे सोचो क्या करना है। तो तुम क्या लगा रहे हो? साइड एंगल, हाँ एंगल साइड एंगल। तो तुम कह दो भाई, देखो अब कह दो कि चूंकि क्या लिखोगे, ए बी और डी सी पैरेलल है, ये बात इधर ही लिख लो, ये इधर लिख लो, ए बी पैरेलल डी सी या सी डी, चलो ठीक है डी सी लिखते हैं, ए बी पैरेलल डी सी एंड, तो देखो ट्रांसवर्सल तो दोनों में यही होगा ना, ए बी ए सी होगा एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ठीक है। तो ए सी ट्रांस ए बी ए बी और डी सी पैरेलल हुआ, ए सी ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये वाला एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा? डी सी ए के बराबर होगा, डी सी ए के बराबर ठीक है। फिर आप क्या कहोगे कि अभी कहोगे कि ए डी पैरेलल बी सी, ललका वाला पैरेलल है, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लिख दिया। तो अभी कौन सा एंगल? ये रेड वाला एंगल, कौन सा एंगल? डी ए सी, डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, समझ पा रहे हो ना? ये हमने इस एंगल को इसके बराबर कर दिया बराबर। अभी चलते हैं, दिखाई तो पड़ रहा है भाई तुमको, एक मिनट सॉरी, हाँ दिखाई पड़ रहा है, मेरे सर के जस्ट ऊपर आ चुका है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सर झुका लेता हूँ मैं, अभी आ जाओ इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। तुम क्या कहोगे कि देखो भाई ये जो है और ये जो है बराबर है, क्योंकि पहले ही निकाल रख दिया हमने, कोई पूछेगा बस निकाल के दिखा देंगे, देखो भैया निकाला हुआ है हम, निकाल रखा है डी सी ए और ये वाला, तो इधर बी सी ए लिखना ठीक है, उल्टा कर लिया मैंने इसको, उल्टा कोई बात नहीं, उल्टा लिखा हुआ है तो पहले आप इसको लिखो। चूंकि आपको एंगल साइड एंगल चाहिए ना, तो आपने एंगल लिख लिया, एंगल लिख लिया, हाँ अब साइड लिखो ए सी, इधर से ए सी लिखोगे तो इधर से सी ए लिखना ठीक है, इधर से ए सी तो इधर से सी ए, क्यों? हर जगह देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे सी ए, तो ये हर जगह लिखना पड़ेगा। तो पहले एंगल बराबर किया एक एंगल, फिर एक साइड, ये बराबर ही दिया हुआ है, कॉमन साइड है, लिख तो बराबर कॉमन साइड, और फिर एक एंगल, तो अभी ये वाला एंगल लिखेंगे, इसको उल्टा करके, क्योंकि मेरा जो ये एंगल है ना, ये जो एंगल है ये वाला, ये इस ट्रायंगल में आता है, तो उल्टा करके लिखते हैं, एंड एंगल बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, इसलिए बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, हो गया कॉन्ग्रुएंट, यही तो प्रूफ करना था। बात समझ में आई क्या? हाँ 14 मिनट का वीडियो हुआ है, एक क्वेश्चन और खींच दें इसमें, क्या कहते हो? कैसा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक ही तो है, ठीक ही है, ये भी खींच देते हैं, 4 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएगा, मजा आ जाए, है कि नहीं? ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी, तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केल्स है ठीक है, तो आइसोस्केल्स से मेरे भाई एंगल बराबर होता है बेस एंगल, तो ये एंगल इसके बराबर होगा,
और साइड ही बराबर होता है, तो ये साइड इसके बराबर दिया भी हुआ है। ठीक है, प्रूफ करना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, प्रूफ करना है कि जो ए डी है बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या कि प्रूफ करना है कि बी डी बराबर डी सी, ये चीज प्रूफ करना है। तो बी डी आता है किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, डी सी मतलब दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। अच्छा ये बात है, कॉन्ग्रुएंट करना है, कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, भाई एंगल ए को बाइसेक्ट कर भी करेगा। ठीक है, देखो तो एल्टीट्यूड ना मेरे भाई दोनों तरफ 90 बनाता है, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90। हाँ एक तरफ 90 नहीं, वो दोनों तरफ 90 बनाता है। चलिए आइए ट्रायंगल में चलते हैं। चलिए इन ट्रायंगल कौन सा भाई, ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। तुमको क्या लगाना है, तुमने सोच लिया ना क्या लगाना है, क्या लगाना है बताओ, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? अरे भैया दो एंगल एक साइड बराबर है, यहाँ पे दो एंगल एक साइड, तो एंगल एंगल साइड लगेगा, सोचने वाली क्या बात है। कह देंगे कि भाई इधर एंगल बी और इधर का एंगल सी बराबर होगा, कहे कि आइसोसेलस ट्रायंगल है तो साइड साइड बराबर है तो एंगल ही बराबर होगा, तो होगा ही बराबर। लो उसके बाद क्या कहोगे कि एंगल वाला जो यहाँ पे ए डी बी है, ललका वाला एंगल इधर वाला ए डी बी और इधर से ए डी सी, ये बराबर है, कहा है भाई परपेंडिकुलर था ना, तो 90 तो होगा ही। ऑल राइट, अच्छा हम आरएचएस भी लगा सकते थे, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। कहे भाई बीच का वाला साइड जो एडी है ये भी ना कॉमन आ रहा है दोनों में, साइड भी तो कॉमन आ रहा है, तो हम ये 90 से आरएचएस भी लगा सकते थे। चलो कोई नहीं, जो लगाते लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल एंगल साइड कौन सा है भाई, ए बी और इधर का ए सी बराबर है, दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, बात समझ रहे हो? तो एंगल साइड, सो एंगल एंगल साइड, इसीलिए बाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो बराबर होगा मेरे भाई। तो देखो इधर से बी डी इधर से सी डी, है ना बराबर, है ना बराबर, देखो बी डी इक्वल टू सी डी। हाँ और क्या कर रहा है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो होगा ही। इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा, इधर वाले एंगल का नाम क्या हो, क्या दोगे तुम, इसका नाम दे दो बी ए डी, इधर वाले एंगल का नाम दे दो तुम सी ए डी। तो देखो क्या बी ए डी सी डी बराबर है, देख लो इधर, देख लो बी ए डी सी ए डी, हाँ बराबर है, बी ए डी सी ए डी, है ना, एकदम उसी पोजीशन पे है। एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, इसका मतलब वही होगा, इसका मतलब जो है ना यही चीज है, दोनों ही आपका बाई सी पी सी टी हो गया प्रूफ, बस यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, चार क्वेश्चन हो गया, आई थिंक वीडियो कितना का, 18 मिनट का हो गया। ठीक है यार, 5 मिनट की वीडियो मजा नहीं आता है, तुमको मजा आता होगा, मैं तो एक एक घंटे का वीडियो बनाता हूँ। मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, हाँ देखोगे, देख लेना, 4 से लेकर 8 तक वाले क्वेश्चन को हम लोग उसमें क्लियर कर लेंगे, नहीं 4 तो हो गया ना, 5 से 8 तक। ठीक है, ऐसे ही सारे वीडियोज, आप सारे क्वेश्चन इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो को नोटिस कर लेना, मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।